नमस्कार, दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे साबूदाने की। साबूदाना से बने मीठे और नमकीन व्यंजन व्रत उपवास में शौक से बनाए और खाए जाते हैं। हम इस वीडियो में आपको सुपरफूड साबूदाना के 7 बड़े फायदे बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद। साबूदाने की खिचड़ी, मखाने और खीर काफ़ी पसंद की जाती है। साबूदाना तो सबका फेवरेट है, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं हो कि मोतियों की तरह दिखने वाला साबूदाना गुणों का भी खजाना है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो ज़्यादा होती है, लेकिन फैट कम पाया जाता है। साबूदाने की खिचड़ी सिर्फ व्रत उपवास में ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी खाई जाती है। सबसे पहले हम साबूदाने के बारे में जान लेते हैं। साबूदाना को शकरकंद जैसे दिखाई देने वाले और मिट्टी के अंदर उगने वाले कसावा की जड़ से निकाले जाने वाले स्टार्च से बनाया जाता है। पहले तो ये तरल के रूप में होता है, फिर इसे मशीनों की सहायता से ठोस मोतियों जैसा छोटे छोटे दानों का रूप दे दिया जाता है। ये दाने बाजार में किराने की दुकानों पर 2 प्रकार से उपलब्ध होते हैं, बड़े दाने और छोटे दाने। इसके अलावा इसके आटे को भी बेचा जाता है। इसका उपयोग स्वाद के साथ ही सेहत के लिए भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि साबूदाना खाने से क्या होते हैं फायदे। वजन बढ़ाने में मददगार। बदलती लाइफस्टाइल की वजह से लोग बढ़ते वजन से परेशान है और वे वजन घटाना चाहते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अच्छी सेहत के लिए वजन बढ़ाने की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों के लिए साबूदाना परफेक्ट है। अगर आप दुबलेपन का शिकार हैं और वजन बढ़ाना चाहते हैं तो साबूदाने का सेवन आपकी इस समस्या को दूर कर सकता है। साबूदाने में अच्छी मात्रा में कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट दोनों का सेवन करने से वजन बढ़ सकता है, क्योंकि ये दोनों ही शरीर में ऊर्जा को अवशोषित कर फैट को बढ़ने में मदद करते हैं। एनर्जी बूस्टर का काम करता है। क्या आप काम करते करते जल्दी थक जाते हैं और आपको शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है? अगर ऐसा है तो आपको साबूदाने के सेवन की जरूरत है। साबूदाना न सिर्फ आपको ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि यह आपको ज़्यादा देर तक काम करने की ताकत भी देता है। इसमें ऊर्जा, कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। जहाँ कैलोरी अपने आप टूटकर ऊर्जा में बदल जाती है, वहीं प्रोटीन मसल्स को मजबूती प्रदान करता है और थकान होने से रोकता है। इससे आप बिना थके ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट भी दैनिक ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है। इसकी वजह से आपके शरीर को ज़्यादा देर तक काम करने में मदद मिलती है। एनीमिया के लिए फायदेमंद। हमेशा थकान, कमजोरी और सीने में दर्द महसूस करना एनीमिया का लक्षण हो सकता है। शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं की कमी और कमजोरी के साथ ही आयरन की कमी के कारण आपको एनीमिया हो सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए साबूदाना आपके लिए एक बेहतर आहार हो सकता है। साबूदाने में आयरन की मात्रा पाई जाती है। आयरन फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाने में मदद करता है। इससे एनीमिया और इससे होने वाली परेशानी को दूर किया जा सकता है। हड्डियों की मजबूती में सहायक। साबूदाने का एक फायदा यह भी है कि यह हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ ही शरीर को लचीला भी बनाता है। इसमें कैल्शियम, आयरन और विटामिन होता है, जिससे आप दिन भर फुर्तीले बने रहते हैं। यहाँ तक कि कड़े परिश्रम के बाद भी आपको चक्कर नहीं आएंगे। जहाँ एक तरफ कैल्शियम आपकी हड्डियों के विकास के साथ ही उन्हें मजबूती प्रदान करता है, वहीं आयरन ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डियों के विकार को दूर करता है। साथ ही मैग्नीशियम हड्डियों को टूटने से बचाने और कई समस्याओं से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ब्लड प्रेशर को रखे नियंत्रित। साबूदाने में फाइबर, पोटेशियम और फास्फोरस भी होता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है।
ब्लड सर्कुलेशन सही हो इसके लिए जरूरी है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। पाचन के लिए है लाभदायक। अगर आपको अपच और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत है तो साबूदाना आपको मदद कर सकता है। साबूदाने में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है जो पाचन तंत्र की कार्य प्रणाली को बेहतर करने में आपकी मदद कर सकता है। फाइबर कब्ज जैसी पेट की परेशानियों से बचाता है। त्वचा के लिए फायदेमंद। जब हम संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करते हैं तो त्वचा को नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? साबूदाना आपकी त्वचा के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें जिंक, कॉपर और सेलेनियम की मात्रा पाई जाती है। ये तीनों ही त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि आप साबूदाने को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें ताकि आपको भी इस सुपर फूड के फायदे मिल सकें। लेकिन हाँ, अति सर्वत्र वर्जयेत, अतः ज़्यादा सेवन नुकसान भी कर सकता है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। धन्यवाद। We'll be right back.